मैथुली भाइयों, मां शक्ति आज स्वाध्याय हम चिंतन का हमारा क्रमांक है 317 और आज हमारे बीच में आदरणीय मनोज शर्मा साहब और आपका जो विषय है वो है भगवत गीता में तनाव प्रबंधन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन भगवत गीता। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय मनोज शर्मा साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष दें। सभी देवतुल्य भाइयों और देवी स्वरूप बहनों को मेरा सादर नमस्कार। सभी उपस्थित स्वजनों को वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में संचालित इस वेबिनार में स्वागत, अभिनंदन, आभार। सभी से प्रार्थना निवेदन, कमर सीधी करके उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र सहस्वर एक साथ ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। सो बहनों भाइयों, जैसा आप सभी को ज्ञात है, आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता में स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इस विषय के ऊपर बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है और नित्य प्रति ही हम चर्चा में गीता के विभिन्न श्लोकों और विभिन्न अध्यायों से हम ये जानते हैं कि इसमें अवसाद की स्थिति में और स्ट्रेस मैनेजमेंट को, तनाव प्रबंधन को कैसे भगवान जी। एक निवेदन था आपसे, आपकी आवाज जो बाहर से आ रही है, आपके घर से आ रही है आवाज, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है जरा? मैं एक मिनट चेक कर लूंगा। जी हाँ जी, बाहर से आए तो रोक नहीं सकते, अंदर से आए तो रोक लेंगे। साउंड खोल लीजिएगा अपनी। अब बेटर है भाई साहब? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, सुंदर। तो हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस विषय के अंदर कि तनाव क्या है, इसके क्या प्रकार होते हैं और क्या कारण है तनाव होने के और उनका निवारण क्या है, और वो निवारण हम ढूंढने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भगवद गीता में। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को हम कैसे परिभाषित करते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, मानसिक रूप से सशक्त है और शारीरिक रूप से सक्षम, यानी स्पिरिचुअली एलिवेटेड, मेंटली स्ट्रांग और फिजिकली फिट जो व्यक्ति है, हम उसी को एक हेल्दी व्यक्ति कहेंगे। तो अनहेल्दी होने का, अस्वस्थ होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो फिजिकल ये शारीरिक अस्वस्थता भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी कोई कई व्यक्ति मनोविकारों के शिकार हो सकते हैं, और आध्यात्मिक रूप से यानी कि जब वो सोशली कनेक्ट नहीं है और एक दूसरे के प्रति उनकी कनेक्टेडनेस नहीं है, तो भी आध्यात्मिक रूप से हम उनको मनोविकारों के रूप में उनको देखते हैं और वो अनहेल्दी इंडिविजुअल कहे जाएंगे। तो जो हमारा जो आज का विषय है स्ट्रेस या तनाव, वो हम किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं तनाव को। तो जो एक वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है तनाव की, वो ये है कि इज ए रिएक्शन ऑफ द बॉडी, स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू अ थ्रेट, बेसिक थ्रेट, ऑन बेसिक थ्रेट इज परसीव्ड इनएबिलिटी टू कोप अप, यानी एक सिचुएशन ऐसी है जिससे मैं जूझ नहीं पा रहा हूं, जिससे मैं जिसको जिसको मैं प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूं।
सो स्ट्रेस इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अंडर अनवॉन्टेड सिचुएशन एंड इट कॉजेज फियर एंग्जाइटी सर्जिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर फास्ट ब्रीदिंग टेंशन एंड सो ऑन. तो परसेप्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रक्रिया है. कोई व्यक्ति एक एक ही सिचुएशन को दो व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं, परसीव करते हैं. और ये बड़ा ही परसेप्शन फैक्टर जो है बहुत ही मिस्टीरियस वेरिएबल है. यानी एक व्यक्ति के लिए जो पॉइजन है वो दूसरे व्यक्ति के लिए प्लेजर बन जाता है. तो ऐसी स्थिति में जो एक्सपेक्टेशन और डिलीवरी के बीच का जो गैप है उसको हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग तरीके से परसीव करता है. और रियलिटी जो है वो होती है जो हम जिसे हम देख रहे हैं. हर इंडिविजुअल के लिए उसकी रियलिटी अलग हो जाती है. तो स्ट्रेस जो है वो हर परिस्थिति में एक बुरा ही नहीं होता, खराब ही नहीं होता. ये हमारे परसेप्शन पे निर्भर करता है. सो स्ट्रेस जो है वो कभी कभी हमारे जीवन दिनचर्या के अंदर एक बहुत ही यूजफुल भी होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में फिजिक्स के पेपर की रात को जो मुझे तनाव था उसकी वजह से जो मैंने रेस्पॉन्स किया, उस तनाव को जो मैंने परसीव किया और मेहनत करके मैं 92% मार्क्स ले आया, तो वो तनाव मेरे लिए बहुत अच्छा था. तनाव से जीवन प्रारंभ होता है, तनाव से हमारा जीवन शुरू होता है. यदि जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन मेरी माँ को अगर तनाव ना उत्पन्न हुआ होता तो शायद मेरा जीवन शुरू ना हुआ होता. जो अंडे से जीव उत्पन्न होते हैं उसके अंदर भी जो चूजे को जो तनाव अंदर होता है उससे वो उसको फोड़ के बाहर निकलता है और उससे उसका जीवन शुरू होता है. और जब हम बाहर से उस अंडे को फोड़ देते हैं, एक सख्त सख्त सरफेस के ऊपर उसको मारते हैं, तो वह अंडे से जीवन समाप्त हो जाता है. तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्ट्रेस है, जो हमारा तनाव है, वो जीवनदायक भी होता है. कब ये खराब हो जाता है? जब हम इसको ठीक से परसीव नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पर एक टर्म दी गई है, स्ट्रेन. यानी स्ट्रेन जो है वो खराब होता है, स्ट्रेस खराब नहीं होता. स्ट्रेस वो प्रेशर है जो मुझे कुछ हायर अचीव करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करता है. तो जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे शरीर से एड्रेनाल और कॉर्टिसोल नाम के दो हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमें एक उस स्थिति से जूझने के लिए प्रेरित करते हैं. पर होता क्या है कि जब वह स्थिति हमारे हाथ से निकल जाती है और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, एक थ्रेट मिलने लगती है और हम फाइट और फ्लाइट के सिंड्रोम में फंस जाते हैं, चाहे हम क्लास में हों, घर में हों या फील्ड में, खेल के मैदान में हों, तो एक सिचुएशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं फाइट या फ्लाइट. यानी कि या तो हम फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे या हम उस मैदान को छोड़ के भाग जाएंगे. एक ग्रीक फिलोसोफर के अनुसार मैन आर डिस्टर्ब नॉट बाय द थिंग्स दैट हैपन बट बाय द ओपिनियन ऑफ द थिंग्स दैट हैपन. यानी वो व्यक्ति जो घटनाक्रम घट रहा है उससे उतना डिस्टर्ब नहीं है, बल्कि उस घटनाक्रम के में जो उसका ओपिनियन, जो उसका थॉट प्रोसेस बन रहा है उसके अंदर, उसकी वजह से जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, उसकी वजह से वो तनाव में आ जाता है. तो हम अभी ये कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि उन तनाव को उसके कॉजेज क्या क्या हैं, क्या क्या उसके रीजंस हैं. तो जब हमारा मन एक्सटर्नल सिचुएशन से डील करता है तो एक सिचुएशन पैदा होती है. क्या एक्सटर्नल सिचुएशन किस तरीके से हम कहते हैं, रॉन्ग एटीट्यूड किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर जिसमें हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या हमारा सेल्फिश मोटिव, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, रॉन्गफुल थिंकिंग, लैक ऑफ इनर स्ट्रेंथ. यानी जो मेरा आंतरिक टर्मोइल है, इंटरनल टर्मोइल है, उसके साथ में मैं जूझ नहीं पाता हूं, और मेटेरियलिस्टिक अप्रोच.
इसकी वजह से क्या होता है, मेरा माइंड जो है वो एक्सटर्नल सिचुएशन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और एक निगेटिव अनहेल्दी इमोशंस डेवलप होते हैं। अब यहां पर मैं ये एक परिभाषित कर रहा हूं कि निगेटिव इमोशंस भी स्वास्थ्य वर्धक हो सकते हैं और अस्वास्थ्यकर भी हो सकते हैं। सो अस्वास्थ्यकर निगेटिव इमोशंस क्या हैं? जो अनहेल्दी निगेटिव इमोशंस हैं वो इरेशनल इमोशंस रेस्पॉन्स की वजह से पैदा होते हैं। हेल्दी निगेटिव इमोशंस क्या हैं? हेल्दी निगेटिव इमोशंस वो हैं जिसमें मुझे कंसर्न है, मैं पश्चाताप में होता हूं या मैं डिसअपॉइंटमेंट में आ जाता हूं, परंतु मैं स्वीकार कर लेता हूं कि ये स्थिति मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इससे निकलना होगा। तो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हुए मैं उस हेल्दी निगेटिव इमोशंस से जूझ कर सबसे पहले मैं स्वीकार करता हूं उस कन्फ्रंटेशन को, और उस कन्फ्रंटेशन को स्वीकार करके मैं अपने एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ उस निगेटिव हेल्दी इमोशन को दूर कर लेता हूं और मैं तनाव से मुक्त हो जाता हूं। तो इसके लिए मुझे अपने हेल्दी बिलीफ सिस्टम बनाने पड़ते हैं, यानी कि मैं ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज, मैं फ्लेक्सिबल हूं, ये मुझे मानना है, मैं लॉजिकल हूं, कंसिस्टेंट विद रियलिटी, मैं अपनी रियलिटी के साथ में तैयार हूं जूझने के लिए। रियलिटी क्या है ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, परंतु मुझे समझना होगा, टर्मोइल से जूझना होगा और कन्फ्रंट करना होगा कि वास्तविकता जो है वो प्रेजेंट में है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इससे जूझते हैं और कैसे गीता हमें प्रेरित करती है और मार्गदर्शन करती है हमारा इससे निकलने में। तो सबसे पहले हम निगेटिव अनहेल्दी इमोशंस के बारे में समझते हैं। निगेटिव अनहेल्दी इमोशंस क्या है? एंग्जाइटी, वरी, अनसर्टेनिटी, फियर और जेलेसी। ये कैसे उत्पन्न होता है, ये कैसे हो सकते हैं? हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकते हैं, कुछ क्रॉनिक डिजीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स, स्पाउस के साथ तारतम्य ना बन पाने की वजह से, बच्चों की तरफ से ज्यादा चिंता की वजह से, वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, वर्कलोड ज्यादा है, प्रमोशन की चिंता है, बॉस बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है, कलीग्स कोऑपरेटिव नहीं है, डेडलाइंस और टारगेट्स से जूझना पड़ रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, COVID-19 में बहुत सारे लोगों को इससे जूझना पड़ा, रिलेशनशिप्स सामान्यतया जो हमारे संबंध हैं, चाहे वो फैमिली से हों या दूसरे लोगों से हों, वर्क प्लेस में हों, उन संबंधों के अंदर मधुरता नहीं है, कटुता है। तो जब ये अस्वास्थ्यकर निगेटिव फीलिंग्स इमोशंस डेवलप हो जाते हैं तो उससे हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। तो इसको आगे और समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइंड क्या है और इसके मूवमेंट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं मन को। मन क्या है? हमारा जो मन है वो कोई अवयव नहीं है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई एपरेटस है, जैसे हाथ, पैर, जिह्वा, आंख, नाक, कान, ये जो हमें बाहर शरीर में दिखाई देते हैं, या अंतर के अवयव जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, किडनी, हार्ट, ये माइंड इन सब में से कुछ भी नहीं है। माइंड जो है वास्तव में एक प्रोसेस है जो हमारी एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी और इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। अगेन आई रिपीट, इट इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट ए अपरेटस, इट इज नॉट ए बॉडी पार्ट, इट इज ए प्रोसेस विच रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। इसके तीन तरह के मूवमेंट होते हैं। सबसे पहला इसके जो मूवमेंट है, मोशन है माइंड के, मोशन इन टाइम, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान में ये ट्रेवल करता है। ये ट्रेवल करता है स्पेस में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में, और ये ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी रोलेक्स वॉच और ऑडी कार में मेरा मन भटकता रहता है। तो यहाँ पर आज हमारा जो विषय है वो जो तनाव हमारे पैदा होता है, या जो हमने पहली स्लाइड में देखा कि जो अनहेल्दी निगेटिव इमोशंस हैं वो डेवलप होते हैं क्योंकि मेरा मन जो है वो भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच में ट्रेवल करता है, यानी कि ट्रेवल मोशन ऑफ द माइंड इन टाइम।
ये मोशन ऑफ द माइंड इन टाइम क्या होता है कि जब मैं प्रेजेंट में जीता हूं तो भी मेरा जो माइंड का ओरिएंटेशन है इट मूव्स ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस विद द सेंस ऑफ डिसकनेक्टेडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द माइंड का ओरिएंटेशन, मैं प्रेजेंट में हूं, वर्तमान में हूं, परंतु माइंड का जो ओरिएंटेशन है दैट इज इनकनेक्टेडनेस। फिर जब मैं पास्ट ओरिएंटेशन ऑफ माय माइंड, माइंड भूत में ट्रेवल कर रहा है विद द सेंस ऑफ जॉयलेसनेस, यानी पास्ट में जो भी घटना मेरे सामने आ रही है उसमें मैं कुछ आनंद नहीं उठा पा रहा। और तीसरा, जब मैं भविष्य की चिंता करता हूं तो फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ द माइंड विद द सेंस ऑफ चीयरलेसनेस, उत्साह नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो डिसकनेक्टेडनेस, जॉयलेसनेस और चीयरलेसनेस है, ये वास्तव में क्या है। ये जैसे हम परिभाषित करते हैं कि अंधकार क्या है, अंधकार प्रकाश का अभाव है। तो चीयरलेसनेस क्या है, चीयरफुलनेस का अभाव है, यानी उत्साह का अभाव जो है वो चीयरलेसनेस हुआ, चीयरफुलनेस का अभाव हुआ। इसी तरीके से जॉयफुलनेस का अभाव जॉयलेसनेस हुआ। और डिसकनेक्टेडनेस, यानी अगर मैं कनेक्टेड रहूं तो उसकी जो एब्सेंस है वो डिसकनेक्टेडनेस है। तो इससे क्या होता है, डिसकनेक्टेडनेस होने की वजह से क्या है कि मैं लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करता हूं। जॉयलेसनेस की वजह से मुझे डिप्रेशन होता है और चीयरलेसनेस की वजह से मुझे एंग्जाइटी होती है। यही वो तीन जो अनहेल्दी निगेटिव इमोशंस हैं जो मुझे स्ट्रेसफुल बनाते हैं। योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं कि अव्यक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना, अर्थात भूत जो चला गया, भविष्य जो अनजान है और अनिश्चित है, हम उसकी बात क्या करें और क्यों करें, वर्तमान है वही सत्य है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे विषाद का कोई शोक का कारण नहीं बनता। तुम वर्तमान में बैटलफील्ड में खड़े हुए हो तो युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। परंतु यहां हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट में भी अगर हमारा ओरिएंटेशन जो है वो डिसकनेक्टेडनेस का बना हुआ है तो हम लोनलीनेस महसूस करते हैं। ये भी एक ऐसा निगेटिव अनहेल्दी इमोशन है जो अकेलेपन का एहसास है, जो मुझे स्ट्रेसफुल बनाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये सब क्यों होता है, ये सब इसलिए होता है कि आई एम ट्रेवलिंग ऑन द पाथ ऑफ अचीवमेंट। मैं सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए अपने तैयार करता हूं अपने आप को, परंतु मेरे माइंड का ओरिएंटेशन जब मुझे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में घुमाता है तो मुझे इस अचीवमेंट के पाथ को थोड़ा चेंज करूं, अचीवमेंट को हटा के मैं फुलफिलमेंट की तरफ चलता हूं। कि मुझे, क्योंकि अचीवमेंट मुझे क्या कर रहा है, अचीवमेंट मुझे या तो सफलता या असफलता का एहसास करा रहा है, या तो मैं फेल्योर की तरफ जाता हूं या मैं सक्सेस की तरफ जाता हूं, और इन दोनों के बीच में मैं आगे पीछे जूझता रहता हूं। और यदि मैं सेंस ऑफ अचीवमेंट की जगह फुलफिलमेंट के पाथ पर चलूं, पूर्ण मद है पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, तो क्या होता है कि मैं जो है अपने इन अनहेल्दी निगेटिव इमोशंस को हेल्दी पॉजिटिव इमोशंस में ले जा सकता हूं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें गीता किस तरीके से, श्रीमद भगवद गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है वो हमें कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो इफेक्टिव जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें हम बेसिकली, हमारा गोल जो है वो एलिमिनेटिंग स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेस जो है वो बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है मुझे सफलता की तरफ ले जाने के लिए या फुलफिलमेंट की तरफ ले जाने के लिए। और स्ट्रेस की वजह से मैं कई बार अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पाता हूँ। तो हमें उसको कैसे करना है कि हमें लर्न करना है हाउ टू मैनेज एंड यूज इट टू हेल्प अस। तो हमें अपनी बॉडी की रिएक्शंस को समझना होगा जो कि हमारे परसीव्ड स्ट्रेस की वजह से बनती है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रेस,
एंड व्हाट आर द रिलैक्सेशन टेक्निक्स सजेस्टेड बाय योगेश्वर कृष्णा इन श्रीमद् भगवद गीता एंड द पीरियोडिक एवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अवर कोपिंग स्किल्स. आगे हम कैसे उसको मॉनिटर कर सकते हैं और कैसे उन टेक्निक्स को आगे यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आत्मा जो है उसका धर्म क्या है. देखिए, धर्म और स्वभाव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और वस्तुतः हम धर्म जो है वो वस्तु के स्वभाव को कहते हैं. जैसे जल का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, परंतु जब यह किसी बाह्य वस्तु के दूसरे तत्व के अग्नि के संपर्क में आता है तो जल गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद यदि हम उसमें हाथ डालें तो हाथ हमारा जल सकता है. परंतु जैसे ही अग्नि का संयोग खत्म होता है, जल स्वतः ही अपने मूल धर्म में, अपने मूल स्वभाव में आ जाता है. यानी जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है. इसी तरह हमारा आत्मा का क्या स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, सुख शांति, सेवा, निर्मलता, कंपैशन, करुणा. ये हमारे आत्मा के स्वभाव है. तो जब ये आत्मा का स्वभाव हमारा है तो इसमें क्या होता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयते इंद्रिय है, इंद्रियों के संयम से. देखिए, आपने आत्मा का जो परिवेश है उसके अंदर प्रज्ञा, एनलाइटेंड इंटेलेक्ट है, माइंड यहाँ पर अवस्थित है, और जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं वो माइंड के कंट्रोल में है. तो ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और ये हमारा नेचुरल और जो हमारा मूल स्वभाव है वो यह है. परंतु क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक रिवर्स हो जाता है. रिवर्स हो रहा है, आत्मा जो है वो बुद्धि और माइंड के कंट्रोल में आ गई है, और बुद्धि और माइंड जो है वो सेंस ऑर्गन्स के कंट्रोल में है. तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः. जीव भ्रमित है क्योंकि उसका आंतरिक ज्ञान अज्ञान के बादल से ढका हुआ है, और यहां पर ये जो है ये मेटलिस्टिक थिंकिंग में ये परिवर्तित हो जाता है. तो ये जो है ये आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से स्ट्रेस हमारा जो है वो स्ट्रेस जो है हमें स्ट्रेस हमें पैदा होता है. तो आगे योगेश्वर कहते हैं कि इंद्रियाणि परान्याहुरि इंद्रियेभ्यः परमं मनः. द सेंसेस आर सुपीरियर टू द ग्रॉस बॉडी एंड द सुपीरियर एंड उससे सुपीरियर इज द माइंड एंड आत्मा. बियॉन्ड माइंड इज द इंटेलेक्ट एंड इवन बियॉन्ड द इंटेलेक्ट इज द सोल. सो ये हमारी नेचुरल अवस्था है. तो अब ये जानने के बाद में हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया गया है. स्ट्रेसफुल माइंड अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता में क्या है? योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतर विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम. इंद्री, मन और बुद्धि को कामना की प्रजनन भूमि कहा जाता है. यानी कि जितनी भी कामना है, डिजायर है, वो यहां से पैदा होती है, और उसमें ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहदारियों को मोहित करती है. तो जो अब हम ये मेटेरियलिस्टिक थिंकिंग हमें किस तरफ ले जाती है, ये हमें सबसे पहले हमारा माइंड जो है वो सेल्फिश डिजायर की वजह से अटैच हो जाता है. एक्सेसिव अटैचमेंट जब हमारा होता है इंद्रियों के साथ में, फॉर द पीपल, फॉर द मनी, फॉर द पावर, फॉर मटेरियल्स, फॉर हैबिट्स, तो क्या होता है? तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है. बुद्धि बिकम जजमेंटल एंड इनसाइट्स आर लॉस्ट. उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी डिविनिटी, जो आत्मा का जो स्वभाव है, वो समाप्त हो जाता है. डिविनिटी इज लॉस्ट. इसी बात को दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने पुनः अर्जुन को समझाया है कि विकारों की उत्पत्ति का कारण क्या है. विकारों की उत्पत्ति का कारण ही सिर्फ यह है, ध्यायतो विष्यान्न पुंसः संगस्ते संशूप जायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः
स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्राणश्चयति। तो अत्यधिक अटैचमेंट की वजह से प्राणों का क्षय हो जाता है। तो ये बात हम जानते हैं और समझते हैं और ये हमें योगेश्वर ने ज्ञान दिया। अब आगे बढ़ने से पहले जो आगे के जो सूत्र हैं जो हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर ले जाएंगे, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं, हम मूर्खता को परिभाषित करते हैं। व्हाट इज स्टूपिडिटी? स्टूपिडिटी मूर्खता क्या है? Repeatedly doing the same thing or action or process and expecting different results, जो हमारी आदत में शामिल हो चुका है, जो मुझे स्ट्रेस दे रहा है वही कार्य में बार बार कर रहा हूं, परंतु मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद किसी दैव योग से उसका आउटकम बदल जाएगा। तो यही सबसे बड़ी परिभाषा है इंसेनिटी की, स्टूपिडिटी की और मूर्खता की। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि मुझे जो अव्यव, जो एक्शन, जो थिंकिंग मुझे अनहेल्दी निगेटिव इमोशंस दे रही है, उसको मुझे बदलना है और बदलना है, रिवर्स करना है, जिससे कि मेरा रिजल्ट डिफरेंट हो जाए। क्योंकि यदि मैं बार बार उसी क्रम में उसी एक्टिविटी को करता जाऊंगा तो मुझे रिजल्ट वही मिलता जाएगा। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि ह्यूमन एक्सीलेंस इज माय गिफ्ट टू द ह्यूमन बीइंग एंड इट इज योर चॉइस हाउ यू वांट टू यूज देम। तो सबसे पहला सूत्र जो कृष्ण, क्योंकि अब हम जिस स्थिति में इस समाज में हैं, जिस स्थिति में हम अपने वर्क प्लेस पर हैं, वो बिल्कुल वही स्थिति है जिसमें अर्जुन बैटल फील्ड में था। ये हमारा बैटल फील्ड है, हमारा वर्क प्लेस, हमारी फैमिली और हमारा समाज, जिसमें हम नित्य प्रति लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वो सब हमारा बैटल फील्ड है। अब उस बैटल फील्ड के अंदर हम किस तरीके से उस अवसाद से अपने आप को निकाल सकते हैं? तो सबसे पहला जो सूत्र है वह है श्रेयान्यस्व धर्मो विगुण है पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपने स्वभाव का पता लगाएं, अपने धर्म का पता लगाएं, गुण धर्म और स्वभाव उसके अनुसार कार्य करें। योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को कृष्ण गीता में बताते हुए कहा है कि तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण। इन्हीं मनुष्य का, इसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव होता है। अपने स्वभाव के अनुरूप पहले गुणों को आकलन करें, पता करें आपका टेम्परामेंट क्या है, आपका स्वभाव क्या है, उसके अनुसार हम कार्य करें और कोशिश ये करें कि यदि हम तम और रज गुण में हैं तो हमें सत्व गुण की ओर, नोबल थॉट प्रोसेस की ओर, नोबल एट्रीब्यूट्स की ओर अपने आप को ले चलना है, अपने आप को बढ़ाना है। तो ये पहला सीख है श्रीमद् भगवद गीता से स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने स्वभाव का, अपने धर्म का पता लगाना है। दूसरा सूत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत ही सब लोग इसको जानते हैं, सब इसके बारे में सभी जानते हैं और कई बार इसको सुनाया जाता है और इसका आशय, इसका जो इम्पोर्ट है, इसका जो अर्थ है वो भी सभी लोगों को पता है कि विशेष परिणामों के लिए जो हम आग्रह पूर्वक या हम जो अटैच हो जाते हैं उसके रिजल्ट से, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोसेस में हमारा ध्यान खत्म हो जाता है। जब प्रोसेस में हमारा ध्यान नहीं लगता तो रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो कृष्ण बड़े साधारण शब्दों में कहते हैं, बड़े समझाते हुए कहते हैं कि हमें परिणाम की तरफ चिंता नहीं करनी है, परिणाम की तरफ कोई मोह नहीं रखना है। परिणाम तो स्वतः ही अच्छा होगा यदि हमारा प्रोसेस अच्छा है। तो
तो हमें जब हम वर्क क्षेत्र में है, अपने बैटल फील्ड में है, अपने वर्क प्लेस में है, तो हमें क्या करना है? हमें करना है, हमें समझना है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड एक जब ओपन होता है, जब खुला हुआ होता है, तो वह बिल्कुल पैराशूट की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप से ये पूछना है कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे उसको कैसे अंजाम देना चाहिए। तो यदि मैं क्या कर रहा हूं तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट आई वुड लाइक टू अचीव। मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या फुलफिलमेंट होगा, किस तरफ ये मुझे ले जाएगा। व्हाई आई एम डूइंग, कैन आई डेलीगेट दिस टू समवन, और मैं कैसे कर रहा हूं, देयर मे बी वेरियस वेज टू डू दैट जॉब। बिना आउटपुट को डिस्टर्ब किए हुए, बिना गोल को छेड़े हुए, मैं कई तरीके से इस काम को कर सकता हूं। तो सही रास्ता उस काम को करने का क्या है? अगले सूत्र में बताया गया है, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण है इग्नोरेंस, इम्पेयरमेंट, स्केयरसिटी। स्ट्रेस का कारण क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञानता। ज्ञान के प्रकाश से अपनी अज्ञानता को दूर करें। इम्पेयरमेंट की जब हम बात करते हैं तो दो तरह से हम इम्पेयरमेंट को देखते हैं, एक शारीरिक अपंगता और एक मानसिक अपंगता। शारीरिक अपंगता इतनी कष्टपूर्ण नहीं है जितनी मानसिक अपंगता है। आपने देखा होगा, आपने आपके पास बहुत ऐसे हजारों उदाहरण हैं, डॉक्टर हेलेन केलर से लेके और अभी जो बहुत सारे दिव्यांग हैं हमारे यहाँ, जो इस अपने आप को उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उनकी वो जो कमी है वो उनके लिए अभिशाप नहीं है बल्कि वरदान है। लेकिन मानसिक रूप की अपंगता का क्या करें? जब व्यक्ति हर तरीके से सुदृढ़ होते हुए भी, सशक्त होते हुए भी कार्य को अंजाम ना दे। तो अज्ञानता को दूर करना है और हमें ज्ञान के प्रकाश में जीना है, ज्ञान प्राप्त करना है, नॉलेज डेवलप करनी है, स्किल अटेन करनी है, जिसकी वजह से मुझे जो स्ट्रेस मिल रहा है उसको मैं हटा सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ। तो जो भी भूमिका मैं निभा रहा हूँ, जिस भी रोल में मैं हूँ, उस रोल के अनुसार मुझे किस तरीके का ज्ञान, किस तरीके की नॉलेज, किस तरीके की स्किल्स, किस तरीके का एटीट्यूड रखना है, दैट इज वो मुझे अटेन करना। अगला सूत्र है, शक्नोति हैव यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद भवम वेगम से युक्त स सुखी नरः। अर्थात वह मनुष्य जो अपनी भावना में पवित्रता का विकास करता है, लेग पेफ जो है एक एक्रोनिम है जो कहता है कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एरोगेंस एंड फूल हार्डीनेस, वासना, क्रोध, लोभ, अभिमान, अहंकार, मूर्खता जैसी नकारात्मक भावनाओं की आवेगशीलता पर काबू पाना है। अब इस पे काबू कैसे पाया जाएगा? तो इस पे काबू पाने से क्या होगा कि मेरी जो अनहेल्दी निगेटिव इमोशंस हैं उनके ऊपर मुझे काबू पाना है। और काबू पाने के लिए मुझे क्या करना है? काबू पाने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत है। जैसा विश्वास होगा वैसा ही मेरी इच्छाएं बनेंगी और मेरे विचार और कर्म होंगे। तो मुझे अपनी उच्च वास्तविकता में विश्वास करना है, उस शक्ति को जगाना है और मुझे अपने फेथ के अनुसार अपने कार्य को अंजाम देना है। फेथ इन द हायर रियलिटी इज अ ग्रेटर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ as the faith, so will be our desires, thoughts and the actions. So हमें higher level पे अपनी श्रद्धा को ऊंचा बढ़ाना होगा,
जिससे कि हमारा विश्वास, हमारा इच्छाएं और कर्म इंप्रूव हो सके। अगला क्रम है देहाभि क्रम नाशोस्ति तत्यवायो न विद्यते स्वल्पक स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। रोजाना प्रतिदिन उपासना साधना और आराधना के क्रम को बनाए रखना है। प्रार्थना और ध्यान शांति भीतर की शांति को का भंडार है, इनका निर्माण करना है और इसके साथ साथ उपासना के साथ साथ साधना और आराधना, जैसा कि पहले भी कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है कि कंटेम्पलेशन ऑन द वर्च्यूज देन इम्बाइबमेंट, उनको एब्जॉर्ब करना और फिर समाज को समर्पित कर देना। इस क्रम को अपनाने से पॉजिटिव थॉट्स में वृद्धि होती है, पॉजिटिव जो हमारे विचारों के साथ साथ हमारी भावनाएं पवित्र होती हैं और उन भावनाओं से हमारा स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध है काल नेनात्मनि विन्दति। दिव्य ज्ञान के प्रकाश को, नॉलेज के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उन्हें ये केशव ने उनको बताया कि क्लैरिटी इन थिंकिंग अबाउट द रोल्स एंड द रियलिटी इज इंडिस्पेंसिबल। वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट द रोल्स वी आर प्लेइंग आर टेम्परेरी एंड रिलेटिव। सो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, जिस भी रोल में है हम, सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो सर्वोपरि है, इसलिए हमें अपनी रियलिटी को समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने कार्य को करना चाहिए। अगले सूत्र में केशव कहते हैं यदा संहर्त्य चायम पूर्मो ना कूर्मो अंगानी व सर्वशः इंद्रियाणी न इंद्रियार्थेभ्य स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक कछुए की तरह से हमें ये अपनी इंद्रियों को, ये हमें अपने अंदर ये निपुणता पैदा करनी चाहिए कि कब हम अपने सेंस के ऊपर मास्टरी करके जब हम चाहें तो उन्हें सिकोड़ लें और जब हम चाहें तो उनको उनका यूज कर सकते हैं। सो एक सेंस परफेक्शन का जो मेथड है, सेंस मास्टरी जो है, वो हमें कछुए से सीखनी चाहिए, उसको कल्टिवेट करना चाहिए। पूर्ण इंद्रिय निपुणता का विकास करने से हम स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। अगले सूत्र में योगेश्वर कहते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य ने च युक्तस्य भावना ने च भाव यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति अशांत है, जिसके पास जिसके मन में शांति नहीं है, वो व्यक्ति को सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है। तो सेल्फ कंट्रोल मेथड से हमें अपने हेड हर्ट एंड हैंड, हेड मींस हमारा विचार हमारे थॉट, हर्ट मींस हमारे इमोशंस हमारी भावनाएं संवेदनाएं और हैंड्स यानी हमारे एक्शन, इन तीनों के बीच में हमें हार्मनी पैदा करनी चाहिए। तो खुश रहने के लिए दिलो दिमाग और हाथों में तालमेल बिठाना होगा। तो ये हमारे हाथ में है, अपना सेल्फ कंट्रोल बैलेंस करना, कामनेस यानी शांत चित्तता, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस और विल पावर, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति से हम अपने मन पर कंट्रोल करके तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। अगले क्रम में केशव बताते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो करने के लिए, मनोविकारों को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए केशव ने बताया कि नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए। केशव कहते हैं कि प्राणों में प्राणों की आहुति देने से मनोविकार शुद्ध होते हैं। प्राणों में प्राणों की आहुति देने से इस यज्ञ को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। तो जो हमारे साइकिक सेंटर्स हैं उनके अंदर प्योरिटी पैदा होती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कैसे? जिनके ऊपर पड़ा हुआ जो पर्दा है, जो धूल है, वो प्रकाश आवरण से दूर हो जाती है। इसलिए हमें अपने अवसाद को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए, जिन्हें हम इन्हें इन सब चीजों को हम
एक मनोविकारों की तरह से देखते हैं, तो सूर्य प्राणाकर्षण प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम नित्य करने से हमारे जो आवरण है, हमारे जो ये निगेटिव अनहेल्दी इमोशंस हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तत्पश्चात आगे योगेश्वर कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात ठीक प्रकार से खाना खाने से आहार और विहार, आहार यानी के भोजन, विहार यानी के हमारा वातावरण। तो वातावरण हम कैसा बनाते हैं, कैसा हमारे, कैसे हम अपने वातावरण को रखते हैं और कैसे हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखते हैं, कैसे हम योग करके या एक्सरसाइज करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो जैसा कि हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था कि शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति को ही हम पूर्ण रूप से स्वस्थ और स्ट्रेस फ्री पर्सन कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है इस पूरे इसमें, हमें अपने माइंड सेट को चेंज करना है। हमारा जो माइंड सेट है वो कैसे बनता है, हमारा जो परसेप्शन, जो हमने देखा कि परसीव करता है एक व्यक्ति एक स्थिति को अच्छे परसीव कर रहा है, दूसरा उस व्यक्ति को स्ट्रेसफुल परसीव कर रहा है, तो ये कैसे होता है। इसमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है यानी कि हमारे आउटर वर्ल्ड और हमारा जो इनर बिलीफ सिस्टम है, तो इसमें क्या देखते हैं हम कि हमारे बिलीफ सिस्टम का जो पार्ट है वो 80% हमारा इंटरनल पार्ट है, इंटरनल टर्मोइल है। तो जब हम कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं अपने इंटरनल टर्मोइल से और बाह्य शक्तियां जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं उनकी वजह से हमारा जो पैराडाइम बनता है, जो माइंड सेट बनता है, उसको हमें चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें ये पता लगाना है कि हमारा एग्जिस्टिंग बिलीफ क्या है और उस एग्जिस्टिंग बिलीफ को हम कैसे रिप्लेस करके एक नया बिलीफ सिस्टम बना सकते हैं। तो यदि हमारा सबसे पहला हमारा बिलीफ है कि सिस्टम्स आर इनहेरेंटली कंस्ट्रेंड, सिस्टम की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता हूं, इनहेरेंटली कंस्ट्रेंड रुकावट पैदा करते हैं, तो हमें इसको शिफ्ट करना होगा कि सिस्टम्स आर, जो भी कंस्ट्रेंट पैदा कर रहे हैं वो कंस्ट्रेंट मेरे कंट्रोल में है और मैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं अपने ज्ञान से, अपने एटीट्यूड से, अपनी स्किल से, मैं उसको हटा चेंज कर सकता हूं। मेरा एग्जिस्टिंग बिलीफ है कि सिस्टम्स एग्जिबिट इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटी, सारे सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे इस अपने इस बिलीफ सिस्टम को नए बिलीफ सिस्टम से रिप्लेस करना है। ऑल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर इनहेरेंटली सिंपल, यदि मैं उनके ऊपर काम करूं, इनके ऊपर वर्क करूं, तो ये बिल्कुल सिंपल है, मैं इनको कर सकता हूं। ऑल सिचुएशंस आर इनहेरेंटली विन एंड लूज, यानी मेरा जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है वो ये है कि मुझे हर समय जीतना है, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया कि मैं आई एम ऑन द पाथ ऑफ अचीवमेंट, तो या तो सक्सेस है या फेल्योर है, और इस विन लूज सिचुएशन में मैं आर्ग्यूमेंटेटिव बन जाता हूं, और आर्ग्यूमेंटेटिव की वजह से क्या होता है कि मैं उन अनहेल्दी निगेटिव इमोशंस के घेरे में आ जाता हूं। तो मुझे इस अपने बिलीफ को शिफ्ट करना होगा कि ऑल सिचुएशंस आर, ऑल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स हैव ए विन विन सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि किसी को हरा के ही जीता जा सकता है, मेरी अपनी जीत मेरी अपनी है। तो मुझे मुझे क्या करना होगा, मुझे अनुस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। देयर एग्जिस्ट इनहेरेंट सर्टेनिटी एंड ऑप्टिमा, मेरा बिलीफ है कि हर चीज जो है वो उसकी एक निश्चितता है और एक मैक्सिमम और मिनिमम वास्तविकता क्या है, वास्तविकता बिल्कुल अनिश्चित है, लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि गुड एनफ सॉल्यूशंस आर अवेलेबल,
ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम ही अवेलेबल है। मैक्सिमम और मिनिमम की जो अचीवमेंट के अंदर जो मेरी उसके अनुसार उसके उसकी वजह से मैं क्या होता है अपने इन अनहेल्दी निगेटिव इमोशंस के बीच में फंस जाता हूँ। लेकिन अगर मैं फुलफिलमेंट की तरफ चलूं तो जो आज मेरे पास है उसकी तरफ मेरा ध्यान जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि यस समथिंग इज अवेलेबल विद मी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पीपल आर इनहेरेंटली बैड, ये मेरा एग्जिस्टिंग बिलीफ है कि सब सब बुरे हैं, पूरा संसार बुरा है, यहाँ कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। इसको मुझे चेंज करना होगा कि अवर एजम्पशंस आर रॉन्ग, पीपल आर गुड, पीपल आर नॉट बैड। हम उनके प्रति जो हमारे देखने का रवैया है, देखने का तरीका है, एंड उन एजम्पशंस को यदि हम रिजॉल्व कर लें तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएंगे और जो डिसकनेक्टेडनेस है वो कनेक्टेडनेस में बदल जाए। आप सभी का धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए। यदि कोई प्रश्न है तो मैं उनको जरूर कोशिश करूंगा। चलिए सर, थैंक यू शर्मा साहब, आपने मेरे को चांस दिया पहले बार में ही। तो मेरा स्पीकर साहब से प्रश्न है, आज का मेरे ख्याल हमारा टॉपिक स्ट्रेस है और भगवत गीता के ऊपर। मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भगवत गीता रोज करीब 1.25 है कि जब हम गीता से अटैच रहते हैं ठीक है, परंतु तो जब पढ़ना बंद कर देते हैं तो ऐसे लगता है कि हमने कभी पढ़ी नहीं। मतलब कुछ समय अब मुझे, मैंने गीता 10,000 बार पढ़ी होगी परंतु तो मेरे को 7-8 साल से 10 साल से नहीं मौका मिला। तो मतलब वो स्ट्रेस और घूम फिर के वो जो परमानेंसी नहीं है वो फिर वही के वही गाड़ी आ जाती है। बताइए शर्मा साहब, कुछ बताएंगे मनोज योगेश्वर कृष्ण ने। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं कि प्रश्न कोई भी नया नहीं है। प्रश्न तो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन कर चुके हैं और उनका समाधान योगेश्वर दे चुके हैं। हम तो सिर्फ उन प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रश्न बिल्कुल आसान है, आपका जो आपने बताया वही प्रश्न अर्जुन ने किया था और उत्तर उसका बड़ा ही साधारण तरीके से कृष्ण ने बताया उनको, अभ्यासे न तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करने से और वैराग्य करने से तुझे इस मन को शांति प्राप्त होगी। हमारा तो MMB सर, मैं आपका नाम नहीं समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, ये MM मशीन साहब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी। तो मेरा नाम सर मदन मोहन भसीन है। हाँ भसीन साहब, भसीन साहब बिल्कुल स्पष्ट है गीता के माध्यम से कि, और मॉडल भी बिल्कुल क्लियर है, उपासना साधना आराधना। जैसा आपने बताया आप गीता पढ़ते हैं 1-1.5 घंटा यदि आप उपासना करते हैं उसके वर्चू उनके पास में बैठते हैं और फिर उसका साधना यानी कि चिंतन मनन करते हैं। तो आपने बताया कि जब आप छोड़ देते हैं तो वो हो जाता है, क्यों छोड़ने का मतलब क्या है कि आपने साधना इम्बाइब नहीं हुआ, सिस्टम में आया नहीं। जब भी जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं और वो मेरे ब्लड स्ट्रीम में आ जाए तो फिर वो दोबारा सामने नहीं आते। तो साउंड बंद हो गई, साउंड आपकी ना सर, साउंड बंद हो गई। कैसे मनोज जी आपकी साउंड? इंटरनेट की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं जी। हाँ जी, चलिए और किसी कोई जिज्ञासा हो? नहीं साहब, मेरे अभी एक दो उसी में फर्दर क्वेश्चन है, अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछूं। उसी संबंध में आकर जी। हाँ जी, स्पीकर साहब बैठे हैं? बैठे नीचे बैठे नहीं, मतलब उनको सुनाई दे रहे हैं जी। जी, 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 जी। अब सर ऐसा है कि मतलब इस समय मेरी जो प्रेजेंट समस्या है कि जैसे मेरे दिमाग में अगर वासना एक आई तो वो वासना सेटिस्फाइड हो या ना हो भी जाए, पर वो इतना घूमती है, इतना परेशान कर देती है मुझे कि वो मतलब मेरे को मतलब
आम काम करने ही नहीं देते, वो वासना इतनी हावी हो जाती है कि मैं एकदम यूजलेस क्रिएचर हो जाता हूँ, और ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है और मैं बिल्कुल गंवार जंगली और जानवर हो जाता हूँ। मनोज जी आवाज आ गई इनकी क्या? नहीं जी, आवाज मुझे आ गई है, लेकिन मैं इनके जो प्रश्न है उसमें मुझे लग रहा है कि चौधरी साहब इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं उनके समय की, हाँ वो शायद वो कुछ इस पे कहना चाह रहे हैं। वैसे और जेपीएसआरटी साहब भी हैं, वो भी दे सकते हैं। जी जी तो जेपीएसआरटी साहब, हाँ खोल लीजिएगा सारटी साहब, खोल लीजिएगा क्योंकि सबसे सीनियर आप ही हमारे जूम पे। जी जी आदरणीय शर्मा साहब को प्रणाम करते हुए मैं ये निवेदन करूं कि मस्तिष्क में जो महाभारत चल रहा है और इसमें जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी और आपने उपासना साधना और आराधना का जो क्रम बताया इसकी रेमेडी के रूप में, और अभी जो प्रश्न किया है एमएम साहब ने, इन सब का लब्बो लुआब कुल मिलाकर एक है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं जो वातावरण में भी रहते हैं वो इम्बाइब नहीं कर पाते हैं अगर वन, और उसके लिए फिर आपने एक और चीज बताई अभी जो जवाब दे रहे थे आप, उसमें ये था आपने कहा था कि इट इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, साधना शब्द ही वही है, साध लेना शरीर को तो आपके सारे थॉट्स ठीक हो जाएंगे। आपने माइंडसेट जो बताई है बात, सारी बात इस समय पूरी दुनिया में वो कोरिया के जिमकोम से लेके और हमारे घर के कृषक के पास भी एक ही बात है, माइंडसेट, एंड दैट माइंडसेट कैन बी चेंज ओनली बाय रीडिंग गुड बुक्स एंड नॉट ओनली, जैसे इन्होंने बताया ही हैज रेड गीता मेनी अ टाइम्स, बाय दिस टाइम ही मस्ट हैव यू सी रिमेंबर्ड वर्ड बाय वर्ड बट ही कुड नॉट इम्बाइब इट। My point, the last but not the least, is this: it may be a lesser imbibement. थोड़ा सा भी हम अगर उसको अपना सके, जैसे आपने अभी छोटी सी बात कह दी कि पांच छह चीजें हैं जो योगेश्वर कृष्ण ने कही कि काम क्रोध मद लोभ, मैं समझता हूं कि पूरा अध्यात्म इसके ऊपर टिका हुआ है, ये चार पिलर्स हैं, अपन एक साथ ना करें कुछ, अपन एक साथ ऊपर की मंजिल पर क्यों पहुंचने के पहले पहली सीढ़ी से अपन पार कर लें, एक अगर स्टेयरकेस पूरी हो गई तो। मैं निवेदन ये कर रहा था कि अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए, प्राणायाम अगर उसमें जुड़ गया है, गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव ने तो प्राणायाम को जोड़ दिया है हमारे वर्शिपिंग में, हम वर्शिप करते हैं तो वो कहते नाक ऐसी करो, ये करो, वो करो, तो कुल मिला के माई इतना शानदार आपने इलस्ट्रेशन किया है, the subject has been so much elaborated and illustrated by your good self sir that I am very much thankful, and as a matter of a lot of you see anxieties in my mind used to come used to go I whatever I get but ultimately what I find Vivekanand ki wo cheez ki unhone ek chote jahaz ko bade jahaz se jod diya ki Calcutta dusre din subah pahunch jayega, that means one guru। और दूसरी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, माइंडसेट के अलावा हमारे पास ट्रस्ट और फेथ कम होता जा रहा है, वी आर लूजिंग एंड दैट वे वी आर बिकमिंग वीक। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं, आपने कितनी मेहनत की होगी इनके सारे ग्राफिक्स बनाने में, कितना पड़ा होगा उसकी तो मैं खैर प्रशंसा बहुत ज्यादा आपके सामने नहीं कर सकता, लेकिन आपकी गहराजरी में करता हूँ। और मुझे अध्ययनशील लोग बहुत पसंद है, हमें वो ऐसे लगता है कि जैसे जीवन की सबसे बड़ी साधना अध्ययन और उसके बाद अपने जीवन में उतार लेने की हो, ऐसे लोगों को सामान्यतः लोग इग्नोर करते हैं या हंसते भी हैं उनके ऊपर, जब अगर हम इस तरह का, जैसे अगर हमारे ऊपर कोई क्रोध करे और हम उसको फॉरबियरेंस दिखा दें तो वो समझता है कि ही इज अ फूल, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड माय स्ट्रोक। तो आपने बहुत बढ़िया कहा, हम तो अब चूंकि अरविंद जी ने वो कर दिया और मेरी बड़ी रुचि रहती है, मुझे एक ही बात मेरे जीवन में शौक है और मैं उसी को अचीव करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे लोगों से मिलने।
अच्छे लोगों से मिलेंगे, नेचुरली अच्छी बातें आएंगी। और वो आज भी हो गया उसी को जो आपने बताया गीता में, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी तरफ से देता हूँ। बाकी फॉर्मल जो फोरम की तरफ से धन्यवाद दिया जाएगा वो अलग। चलिए और किसी को मनोज शर्मा जी, मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और हमेशा मुझ पे आपका बना रहे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जी चौधरी साहब। मनोज शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ऐसा लग रहा था कि हम लोग सब अर्जुन हैं और आप श्री कृष्ण के रूप में। वाह बहुत बढ़िया। यही बात ये है कि जैसे मैं तो बिजली बनाने वाला रहा हूँ, तो मैं एक सिंपल बात में वो जो क्वेश्चन आया उसका जवाब देना चाहूंगा, मतलब सप्लीमेंट करना चाहूंगा कि इनर्जी फ्लो तभी तक होता है जब तक हमारा तार कनेक्टेड रहता है। अब ये तार कनेक्ट करना का मतलब साधना ही है। तो ये तार अगर कनेक्ट नहीं रहेगा तो बिजली तो फ्लो होगी नहीं। भले बिजली का सोर्स कहीं है, गीता में है, कहीं भी है, ब्रह्मांड में है, लेकिन हमारे भीतर तो तभी आएगा जब हम तार कनेक्ट करेंगे और कनेक्टेड रखेंगे। यानी कि हमेशा 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 उस तार को उस सोर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जनरेटर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तभी हमारे अंदर फ्लो होगा। और ये बात मैं लगता है कि हमें ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सिर्फ बिजली का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। ऐसा होता है कि हमारा तार कटते रहता है, ये भी एक रियलिटी है। मनोज जी ने जिस तरह शुरुआत की स्ट्रेस मैनेजमेंट में, पहले उसका एक डेफिनेशन दी कि स्ट्रेस क्या होता है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। और इनफैक्ट गीता का मतलब यही है कि जीवन को जीने की कला है, और उसमें जीवन के हर पहलू को जीने के लिए हर एक चीज का रास्ता बताया गया है। भसीन साहब का जो प्रश्न था उसके उत्तर भी उसी गीता में है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी, हर पुरुष, हर नारी, हर जीव बेसिकली एक जानवर ही है। जब तक जंगल में रहता है जंगली जानवर है, शहर में आ जाता है शहरी हो जाता है, किसी पेट में किसी घर में आ जाता है तो पालतू हो जाता है। आप किसी भी पुरुष को आप फ्री छोड़ दीजिए और कह दीजिए कि तुम्हारी जो इच्छा है वो करिए, तो शायद वो जंगली जानवर से भी ज्यादा व्यवहार करे। तो लेकिन एक सोशल या कह लीजिए उसके डिसिप्लिन, जीवन जीने की कला सीखते 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 वो एक उस पुरुष या उस जीव के रूप में आ जाता है जहां पर उसकी कनेक्टिविटी हो जाए, उसको पता चल जाता है क्या चीज गलत है क्या सही है। आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने जो बताया शर्मा जी ने, और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसमें मैं दो शब्द जोड़ ही सकता हूँ कि शर्मा जी ने आज जितने कॉन्फिडेंस के साथ, जितने डिटेल के साथ और जितनी स्पष्टता के साथ अपनी बातों को कहा है, वो उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और भसीन साहब जब होली के दिन हम लोग को खुद अपनी तरफ से अपनी विद्वता का परिचय देंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से उस जंगली जानवर को कंट्रोल किया जा सकता है। बिकॉज ही इज वेरी लर्नेड पर्सन, मैं जानता हूँ इनको। और आज उन्होंने जो प्रश्न किया है वो उस प्रश्न को, उनके मन की जो कहीं भ्रांतियां उठती होंगी उसको मिटाने के लिए किया है। कभी कभी हर एक के दिल में आती है, सबके मन में आती है, हमारे भी मन में आती है, लेकिन अगर लगातार हम लोग ऐसे ही व्याख्यानों के साथ जुड़े रहेंगे तो भ्रांतियां अपने आप दूर होती जाएंगी। हम लोग के प्रश्न में पहले भी कई बार कहा कि प्रश्न अपने आप कम होते चले जाएंगे, बातों को सुनते सुनते अंदर ही हमारे अंदर के प्रश्नों का उत्तर मिलता चला जाएगा। आज के व्याख्यान के लिए मनोज शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नायब साहब, धन्यवाद आदरणीय मनोज शर्मा साहब, आपने समय निकालकर हमको समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और फिर तीन बार ओम के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। आज का विचार है संघर्ष में तपा हुआ व्यक्ति, संघर्ष में तपा हुआ व्यक्ति असीम तरक्की करता है। संघर्ष में तपा हुआ व्यक्ति असीम तरक्की करता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। संघर्ष में तपा हुआ व्यक्ति असीम तरक्की करता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है, अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। घमंड सभी का टूटता है, घमंड सभी का टूटता है, टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। सही बात, बिल्कुल सही।
आइए तीन बार हम ओम का उच्चारण करते हैं, सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। शांति सर्वं शांति शांति।